तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक परफेक्ट टॉपिक जो मतलब मैं कितने टाइम से रुखा था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं सिर्फ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट टॉपिक है मेरा, दुनिया एंड होएगी तो कैसे होएगी। अभी मैं जो मेरी थियोरीज के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को कि दुनिया कैसे एंड होएगी। ओके, हमारी दुनिया की एंड की शुरुआत हो गई है। अगर हो गई है तो बताओ कैसे होगी फुरकान भाई, क्या कौन किधर से लड़ेगा, कौन किधर से हटेगा, कौन भागेगा, कौन मरेगा, सब आप लोग को ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक भी मिनट स्किप नहीं करना। यही वीडियो के पहले मैंने लाइव सेशन किया था जिसके अंदर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को वीडियोस बनाना, मेरे इंस्टाग्राम पे लाइव किया था। तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पर बहुत लाइव्स करने वाला हूँ। मेरे स्नैपचैट पे मैं स्टोरीज डालता हूँ मेरे दिन की केक में क्या क्या करता हूँ और बहुत चीज़ें हैं। टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, ये वो। नीचे व्यू डिस्क्रिप्शन भी दिया हो जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स रखा हो, जो प्रोडक्ट्स से मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप खुद बना सकते हो शॉर्ट्स और आप पैसे कमा सकते हो मजबूत। तो आप लोग को ये सब करना है तो आप व्यू प्रोडक्ट्स पे जाके ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग है। इंजॉय करो पूरी वीडियो और मालूम करो कि दुनिया का अंत कैसा होएगा। आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया का अंत कैसा होने वाला है। तो ये मैं थियोरी बता रहा हूँ, पॉसिबल है ये हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को है ना एक वीडियो बताऊंगा। मैंने मेरे फुरकान इबानी वाले अकाउंट पर न्यूज़ जो देता हूँ लेट नाइट न्यूज़, उसके अंदर बताया था कि सऊदी अरेबिया है वो एक न्यू सिटी खोल रहा है जिसका नाम है नियोम। वो नियोम सिटी कैसी रहेगी मालूम है? पहले उन लोग क्या करने वाले थे, जितना डेजर्ट एरिया था ना उसको लेके उन लोग बनाने वाले थे और बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने वाले थे उन लोग। लेकिन क्या हो गया, बहुत जगह न्यूज़ फैल गई कि जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं उन लोग को इन लोग मार रहे हो, वो सब लैंड ले रहे हैं लोग अगर नहीं दे रहे। तो उसकी वजह से जैसे ही न्यूज़ फैल गई थी WHO और वह सब में, सऊदी ने स्क्रैप कर दी प्लान और न्यू नियोम लॉन्च की। तो अभी रिसेंटली न्यू नियोम में बताया गया है कि ना जैसा अभी एक सिटी कैसा रहती इतनी ब्रॉड रहती है, लेकिन इन लोग है ना ऐसी पतली सिटी बनाएंगे, ऐसी एक लाइन वाली सिटी बनाएंगे। आजू बाजू में जो है ये इधर और इधर मिरर रहेगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं वो सिटी के पास आया, मैं इधर आया तो मैं सिर्फ ये सिटी को मिरर को देख पाऊंगा, मैं अंदर नहीं देख पाऊंगा सिटी के क्या है। और अंदर जो रहेगी ना सिटी, ऐसी सिटी रहेगी उसके अंदर एक बिल्डिंग अगर इतनी है एक बिल्डिंग तो ऐसी स्टैक्ड रहेगी और है ना 2000 किलोमीटर की रहेगी सिटी, पतली रहेगी ऐसी। उधर एक ट्रेन चलेगी, वो ट्रेन बहुत सारी ट्रेन रहेगी मगर एक ही लाइन रहेगी। तो एक जगह से दूसरी जगह आप 20 मिनट में पहुंच सकते हो। कहते हैं कि हर एक जान को स्कूल्स मेडिकल्स ये सब इतना नज़दीक पड़ जाएगा। उधर आर्टिफिशियल सन आर्टिफिशियल मून रहेगा, आपको परफेक्ट टाइम सोने मिलेगा, परफेक्ट टाइम उठने मिलेगा। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं रहेगी, नो पोल्यूशन, नथिंग, एकदम न्यू, मतलब पूरी वर्ल्ड बना रहा है। ऐसा लगेगा आप न्यू प्लानट पर आ गए, जिधर आप ऑक्सीजन सांस ले सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग प्लान इन लोग बना रहे हैं। उधर पुलिस भी AI पे रहेगी पूरी, है ना रिमोट कंट्रोल पे रहेगी, जो VR हेडसेट्स रहते हैं उसमें से मालूम पड़ेगा कि ये इंसान यहाँ का है या कोई ट्रबल नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोग को है ना 0% क्रिमिनल्स चाहिए वहाँ पर, एक भी क्रिमिनल नहीं चाहिए। तो अभी मैं आप लोग को बताऊँगा कि वहाँ पर है ना इन लोग ने क्या किए, ये क्यों बना रहे नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल नियम क्या है, तो नियम एक्चुअली दज्जाल के लिए रुका है, मजाक के अलावा बोल रहा हूँ मैं। और इन लोग को क्या चाहिए, अभी देखो मैं इतना डीप नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को भी परमिशन नहीं होती है बोलने की और प्लस उन लोग अलाउ नहीं करते मेरे को बोलने, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि वो क्यों बन रहा है। अभी वो सिटी में पूरी वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया को ही क्यों चूज़ किया गया था नियम बनाने। इतनी कंट्रीज, इतना पैसा है सबके पास, ब्रुनाई, क्यों सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में ही आएगा। सऊदी अरेबिया में क्यों आएगा, क्योंकि उसको होली प्लेसेस है जो मक्का मदीना, उसको वो कैप्चर करना है तो वो करने, मगर वो कर नहीं पाएगा। जो इन लोग का मेन रहेगा एंटी क्राइस्ट, इसका नाम रहेगा दज्जाल। बहुत जान एंटी क्राइस्ट बोलते, बहुत जान दज्जाल बोलते, बहुत जान शैतान बोलते, अलग अलग जान अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन 100% आने वाला वो सऊदी अरेबिया में ही आएगा, नियम उसके लिए ही बन गया ना। जब ये ना एक और एक जैसा अभी एक विलन आता है तो एक हीरो भी आता है, तो वैसे ही एक हीरो आएंगे जिनका नाम रहेगा मेहदी। अभी बहुत जन बोलते हैं उनका नाम ये रहेगा, उनका नाम वो रहेगा, नहीं इनका नाम रहेगा मेहदी। और ये हमें वो खुद जाके नहीं बोलेंगे कि भाई मैं मेहदी हूँ मेरे को सपोर्ट करो, नहीं, जो भी ये बोलेगा वो एंटी मेहदी रहेगा, एंटी क्राइस्ट रहेगा और उसको हमें नहीं मानना है। जो मेन मेहदी रहेंगे वो एक्चुअली उनकी आवाज़ आएगी ऊपर से, खुद गॉड आवाज़ देगी हम सबको, बोलते जो एक छोटा बच्चा रहेगा ना जिससे पैदा हुआ आएगा उसको भी वो आवाज़ आएगी और वो बोलेगा ठीक है। और जैसे मालूम पड़ेगा तो जिन लोग उनको ज्वाइन करेंगे वो लोग
समझ जाओ उनकी टीम में रहेंगे, और जिन लोग उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, जो घर में बैठ के डर के बैठेंगे, तो ठीक है उन लोग की मर्जी। और जिन लोग दज्जाल मतलब जो मैजिक करेगा, सबको पानी पिलाएगा पानी नहीं होएगा, सबको बीमारी के टाइम पे अच्छा कर देगा, ये सब झूठ मूठ का इल्यूजन बनाएगा, तो वो ऑफ कोर्स दज्जाल को करेंगे जो इल्यूमिनाटीज रहेंगे। अब इल्यूमिनाटीज इतना क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम है उन लोग का दज्जाल ऑलरेडी आ गया है। इल्यूमिनाटीज पहले के ज़माने में भी थे, कुछ पहले के ज़माने में भी थे। इन लोग को बोलते थे सीक्रेट सोसाइटी, इन लोग अपने आप को अनवील नहीं कर सकते थे जब तक इन लोग का बॉस नहीं आ जाता है। जब उन लोग का बॉस आ जाएगा तो उन लोग का प्लान है उन लोग को स्लो स्लो करके अनवील करना है, जिसकी वजह से इन लोग ये सब कर रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम था तो अभी लोग तो आप लोग को मालूम पड़ गया कि क्यों ऐसा अनवील हो रहा है। आपने देखा है कि हमारे इंडिया में ही पहले मुंबई में एक ऑफिस थे, अभी 100 या 200 ऑफिसेस बन गए इल्यूमिनाटी के सीक्रेट, मगर अभी नो सीक्रेट, सबको मालूम तो पड़ ही गया। तो इन लोग बड़े बड़े लोग को क्यों कर रहे ले रहे, क्योंकि हम लोग उन लोग हमें इन्फ्लुएट कर रहे हुए। अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी वीडियो समझ जाओ 10,000 लोग देख लिए, अभी 10,000 में से 100 लोग भी तो बोलेंगे ना हाँ नहीं फुरकान भाई बराबर बोल रहे, अगर मैं झूठ भी बोल दूँ ना गलती से तो बोलेंगे नहीं फुरकान भाई बराबर बोल रहे। तो सोचो इल्यूमिनाटीज के पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन लोग के 10-10 मिलियन फॉलोअर्स है, 100-100 मिलियन फॉलोअर्स है, तो सोचो सिर्फ कैलकुलेट करो कितना हो सकता है, आप सिर्फ कैलकुलेट करो। मैं बहुत बड़ी एक वॉर होएगी, अभी वो वॉर में कौन होता है, कुछ लोग बोलते हैं रशिया चाइना इंडिया और ये सब एक जगह पर रहेंगे, श्रीलंका ये सब एक जगह पर रहेंगे, US नेटो और एक जगह पर रहेंगे, दोनों की एक दूसरे से वॉर हो सकती है, कभी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा नहीं 100% ही होएगा, हो सकता है पॉसिबल है, जिसकी वजह से एक टीम में रहेंगे मसीहा और एक टीम में रहेंगे एंटीक्राइस्ट, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। अब कौन जीतता है, हम प्रोफेसी में तो लिखा हुआ है कि मसीहा ही जीतेंगे, फिर दुनिया में क्या अच्छाई हो जाएगी, अच्छाई रहेगी, फिर जब मसीहा चले जाएगी उनके भी टाइम आ जाएगा जाने का, तो हम फिर से एक दूसरे से लड़ने लगेंगे जब जीसस क्राइस्ट आएंगे वापस। जीसस क्राइस्ट का है कि वो दोबारा बॉर्न होएंगे नहीं, वो डायरेक्ट ऊपर से आएंगे या कुछ भी है फॉर एग्जांपल, तो वो आएंगे और फिर वो दुनिया का एंड करेंगे, और फिर जब दुनिया ख़त्म होगी तो ये दुनिया का एंड होने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। पॉसिबल है कि ये एक साल में भी हो सकता है जब वो एंटीक्राइस्ट और वो लोग आ जाए, 5 दिन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लोग का आना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन लोग सही में बॉर्न हो चुके हैं, उन लोग का हो गया, मेरे को खुद को लगता है कि उन लोग दोनों बॉर्न हो गए, एंटीक्राइस्ट और मसीहा दोनों बॉर्न हो गए, दोनों का डिक्लेरेशन नहीं है लेकिन इल्यूमिनाटीज को मालूम है, इल्यूमिनाटीज वो लोग को ढूंढ रहे हैं, मसीहा को ढूंढ रहे कि पहले ही मार देवे, मगर वो तो नहीं होगा, जो प्रोफेसी लिखी है वो तो होके ही रहेगी। अगर आप गॉड में बिलीव करते तो आपको तो मालूम ही होगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये थी पूरी वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। आप लोगों को कुछ भी और देखना है मेरे को 100% बताओ, मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए, मैं 100% प्रॉमिस नहीं करता। और आप लोग के पास अगर ऐसी वीडियोस रहती है जो आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो प्रूफ भी भेज दिया करो। आप लोग बोलेंगे फुरकान आप तो मैसेज ही नहीं पढ़ते इंस्टाग्राम पे, प्रूफ कहाँ से भेजे, तो इंस्टाग्राम पे नहीं ईमेल कर दो, ईमेल में पढ़ लेता हूँ, मेरे मैनेजर्स पढ़ लेते तो लोग मेरे को भेज देते स्क्रिप्ट के भाई ये बनाना ही है वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो वैसा अगर आप अमेजिंग बेचते तो आप बना सकते हो, नीचे माई प्रोडक्ट्स दिया होगा, वो प्रोडक्ट्स में जाके आप बाय कर सकते हो, प्रोडक्ट जो खुद यूट्यूब दे रहा है, मतलब गिफ्ट नहीं दे रहा है, आपको खरीदना है लेकिन सस्ते में दे रहा है, आप जाके बाय कर सकते हो, आप खुद यूट्यूबर बन सकते हो, शॉर्ट डालो कुछ भी डालो, आपको जो मन में आता है डालो, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, दोनों आईडी पे मैं कभी लाइव जाता हूँ कभी दूसरे वीडियोज़ डालता हूँ उस पर, स्नैपचैट पे मेरे दिन की बात बताता हूँ कि मैं दिन में क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, फुल टाइम पास करता हूँ, और जो टेलीग्राम है उस पर मैं बातें करता हूँ आप लोग के साथ, तो उस पर भी ऐड कर सकते हो, सब जगह ऐड कर लो। और अगर आपको कुछ मालूम है दुनिया के अंत के बारे में तो नीचे कमेंट करो।